हेलो दोस्तों, मैं रिचा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तड़का स्वाद का में। आज हम आपको अपनी वीडियो में एक देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो कि तवा हो चाहे कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन हो, जो कि आपके गैस पे पराठे पूड़ी या कचौड़ियाँ जो तलने से बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं, उनको किस तरीके से अपने देसी नुस्खे से साफ किया जाए वो हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक लोहे का तवा ले लिया है, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा काला और ये पूरी इसकी लेयर ऐसी जमी हुई है। इसमें पराठे काफ़ी बन चुके हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो हम इसको अपने एक देसी नुस्खे से एकदम साफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये हमें देखिए अपने गैस ऑन कर ली है और तवा हमने उस पर गर्म खून करने के लिए रख दिया है। अब हमें इसमें थोड़े से पानी के छींटे लगाने हैं गरम तवे पे ही। ये हमने पानी डाल दिया है और हम गैस को अब बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने ये गैस बंद कर दी है। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे। अभी देख रहे हैं कि हमने ये गैस से उतार लिया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने ले लिए ये मिट्टी, जो कि आपके घर में आराम से मिल जाएगी। आपके घर में जो गमले होते हैं, गमले के अंदर जो मिट्टी होती है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए, अच्छे से पूरे पे फैला दीजिए। और आप एक ये चूना ले लीजिए, जो एक तरफ से स्टील का हो और एक तरफ से इस टाइप का हो, और थोड़ा सा इसको हल्का सा गीला करिए और आप इसको ऐसे रगड़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप यकीन मानिए, आपका जो ये तवा है बिल्कुल जो लोहे का ओरिजिनल कलर है वो निकल के आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि धुआं छूट रहा है, आपको ऐसे पे ही इसको साफ करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि आप मैं इसको कितनी अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। आप भी इसको जब भी ऐसे साफ करिए तो बस ये लोहे वाले चूने का जरूर इस्तेमाल करिए। आप ये देख रहे हैं कि अंदर से काफ़ी साफ होने लगा है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं इसका कलर। इसको मैं बस आप 5 मिनट इसको लगातार साफ करिए, आपका तवा बिल्कुल साफ हो जाएगा, यकीन मानिए। बर्तन हो, कढ़ाई हो, एल्युमिनियम की हो, कोई भी बर्तन हो, इससे मिट्टी से इस तरीके से आप गर्म करके साफ करेंगे तो 100% बिल्कुल साफ हो जाएंगे ये। अब हम इसको धो लेते हैं। अब हम इस तवे को साफ कर लेते हैं। तो हमने ये साफ पानी ले लिया है और ये बर्तन, अब हम इसमें अपने तवे को धोना स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए इसका कलर बिल्कुल बदल गया, इतना साफ तो किसी भी साबुन से भी नहीं होगा जितना ये हमारा जो देसी नुस्खा है मिट्टी का वो काम आया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक है लोहे का बीच में शेड है, ये हमने पूरा जो साफ किया ये बीच बीच में आप देख रहे हैं ये लोहे का शेड आ रहा है। बाकी का ये तवा हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। ये देखिए पहले वाले लोहे का और अब लोहे का कलर देखिए कि बिल्कुल बदल चुका है। तो ये अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।